क्लास में आप सब घर फिर से होंगे। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आई कम पार्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व का जो क्वेश्चन है वो हम 13वां सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2013 अकाउंट परचेज अ ट्रक 15,000 एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20%। फर्स्ट जैन 2013 को ट्रक परचेज किया गया है और इसकी कॉस्ट प्राइस है 15,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है 20% और हमारे पास मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 31 दिसंबर को 2016 को इट वॉज अगेन टू रिप्लेस द ओल्ड ट्रक बाय न्यू वन, कि आपने रिप्लेस किया है ट्रक, रिप्लेस ट्रक बाय न्यू वन और उसकी कॉस्ट है हमारे पास 18,000। ठीक है, और अलाउंस भी आपको मिला है इसे 4,500। ठीक हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह से चार्ट अकाउंट
2015 फर्स्ट जनवरी हमारे पास ही बैलेंस ब्रॉड ऑन कितना 9600। 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे भी उसी तरह से 20%, क्योंकि हमारे पास ये रिटर्न टर्न था मेथड तो हर साल डेप्रिसिएशन हमारी चेंज हो गई। ठीक है, तो 96 20 over 100 यहाँ पे 9600 का 20% हमने तो हमारे पास 1920 हमारे पास यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे 9600 पर टोटल दोनों तरफ उसी तरह से डेबिट साइड पर टोटल 9600 दोनों तरफ लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 9600, तो हमारे पास 7680 आ गया। ठीक हो गया। अब ये फर्स्ट जनवरी 2016 के लिए बैलेंस है कितना, बैलेंस ब्रॉड ऑन जो है हमारे पास 7680 और इस पे भी जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो फुल ईयर डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, हमारे पास 2016 में जो डेप्रिसिएशन है 7680 इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था 20%, 7680 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100 तो हमारे पास 1536 आ रहा है। ठीक है, 1536। अब यहां पे उसने कहा था कि हमने 31 दिसंबर 2016 हमने एसेट को रिप्लेस किया और उसके बदले में एक नया एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 18,000, यानी कि 31 दिसंबर 2016 को उसने एक नया एसेट खरीदा जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हमारे पास 18,000 थी लेकिन उसमें आपको अलाउंस भी मिला था तो आप 4500 उसमें से अलाउंस जो है वो लेस करेंगे तो 18,000 में से 4500 आपने यहाँ पे लेस किया तो 13,000 हमारे पास 500 आ गया। ठीक हो गया। अब आप इस तरह से इसी तरह से अपनी तमाम जो है कॉस्ट प्राइस से पहले एसेट की कॉस्ट प्राइस में से सारे जो है डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस को यहाँ पे लेस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास लॉस है या प्रॉफिट है। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस भी आपने लेस करना है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 15,000 और अगर हम देखें कि 2013 2014 2015 2016 की हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे कॉस्ट में से तो हमारे पास पहले साल में जो डेप्रिसिएशन थी वो थी 3,000, दूसरे साल में 2400, फिर 19,000, 2016 में हमारे पास डेप्रिसिएशन थी 1536। ठीक है, ये आपने और साथ में मैंने आपको कहा था कि आपने अलाउंस भी लेस करना है 4500 तो हमारे पास इन सबको अगर लेस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है 15,000 में से आपने 3,000 को लेस किया माइनस 2400 माइनस 1920 माइनस करना है 1536 माइनस 4500 1644 हमारे पास ये लॉस है। नहीं हम लिख देते हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1644। ठीक हो गया। इसी तरह से आप टोटल करेंगे 7680 प्लस 13500 तो हमारे पास 21,180 इधर भी इसमें से आप इनको लेस करेंगे माइनस 1536 माइनस 1644
तो हमारे पास आया 18,000 जो कि हमारे पास था बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, तो ये रिटर्न टू वैल्यू मेथड है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम जो डेप्रिसिएशन जो रिटर्न टू वैल्यू मेथड में अपने डेप्रिसिएशन का बैलेंस को आगे जो है ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास ये 2017 फर्स्ट जैन का जो है वो बैलेंस बीडी हो जाएगा कितना 18,000। ठीक है, अब जो हमने नया एसेट रिप्लेस किया था जो हमने खरीदा था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 31 दिसंबर 2016 को ही ये खरीदा रिप्लेस किया गया था, इस वजह से इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो दिसंबर 31 को ही आपको यहाँ पे जो है लॉस जो है वो बेयर करना पड़ा है। ठीक है, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको आज के इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।